रिश्वत स्टाइल आप देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ड्राई छोलों की रेसिपी। ये बहुत ही इंस्टेंटली बन जाते हैं, आपको सुबह बच्चों को टिफिन में पैक करके देना हो या हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए तो आप ये क्विकली बना सकते हैं। इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस हाँ आपके पास बॉइल्ड छोले होने चाहिए। आप इन छोलों को गरम गरम सर्व करिए पराठों के साथ, पूरी के साथ या फिर फुलकों के साथ। तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 बिग बोल ऑफ बॉइल्ड चिकपीस। मैंने काबुली चनों में पानी और थोड़ा सा नमक डाल के उन्हें बॉईल कर लिया था और आप देखिए ये मैंने बिल्कुल फुली बॉईल कर रखे हैं। आपको हाफ डन नहीं रखने, ये कम्प्लीटली कुक करने हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए 1 लार्ज अनियन जिसे मैंने रफली चॉप कर रखा है, और हमने लिया है 1 लार्ज टोमेटो, इसे भी मैंने कट करके रख लिया है। 3 मैंने ली है ग्रीन चिलीज जिस पे मैंने स्लिट लगाया है। इस तरह से हम इसे बीच में से काट लेंगे। और मैंने 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था जिसके मैंने जूलियंस कट कर लिए हैं। इसमें अदरक बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। आपको ज़्यादा नहीं पसंद हो तो आप कम डालिएगा। आज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास हरा धनिया नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप गार्निश के टाइम पर ऊपर से थोड़ा हरा धनिया ज़रूर डालिएगा। और हमें चाहिए कुछ मसाले। स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चे, अगर आपके पास नहीं है कुटी लाल मिर्चे तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून आमचूर मैंगो पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून पुदीना पाउडर। पुदीना पाउडर इसे बहुत अच्छी खुशबू देता है और फ्लेवर भी आपको बहुत अच्छा आएगा। आप इसे ज़रूर डाल के देखिएगा अगर आपके पास ये अवेलेबल हो। वैसे ये ऑप्शनल है लेकिन आपके पास हो तो ये ज़रूर डालिएगा। एंड 1/2 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। सॉल्ट मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि ऑलरेडी जब हमने चनों को बॉयल किया था तो उसमें भी हमने सॉल्ट डाला था। और हम लेंगे 1 लेमन का जूस एंड 1 टेबल स्पून ऑयल फॉर कुकिंग। तो चलिए अब हम अपने चनों को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली है एक कढ़ाई और इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। मैं इसमें ज़ीरा और अजवाइन साथ में डाल रही हूँ। ज़ीरे को 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। हम अनियन को भी फ्राई कर लेंगे फॉर 2 मिनट्स। कुछ लोग इसमें हींग भी डालते हैं, आप चाहें तो अजवाइन ना डाल के हींग डाल सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। जैसे ये लाइट गोल्डन कलर की फ्राई हो जाएगी तो हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चे और अदरक। आप देख सकते हैं अनियन का ऑलमोस्ट लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्चे। बस इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर डाल देते हैं टोमेटोज। ये टोमेटोज डाल के भी हम कम से कम 2-3 मिनट्स तक इन्हें कुक करेंगे। अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो या तो आप थोड़ा ऑयल डाल दीजिए, और ऑयल नहीं डालना चाहते तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा कभी ये जल जाए। इसे कंटिन्यूसली स्टिर करते रहें। टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, करीब 1 टेबल स्पून। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी स्पाइसेस। टोमेटोज के गलने के साथ साथ ही हमारे स्पाइसेस भी कुक हो जाएंगे। ये मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे छोले और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये ड्राई छोले हैं तो इनके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस अगर आप पहले ही डाल देंगे तो थोड़ा कड़वा फ्लेवर आता है, तो इसलिए बिल्कुल तैयार होने के बाद ही आपको इसमें लेमन जूस ऐड करना है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ लेमन जूस।
मेरे कैमरा की ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए मैंने इसको सेट किया दोबारा से, ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके कि छोलों का कलर कैसा आया है। बस इसे अब हम एक क्विक मिक्स देंगे और इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लेमन डालने के बाद हमें इसे पकाना नहीं है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। चलिए आइए इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। ये छोले 5 to 10 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने के लिए और ये खाने में बहुत ज़्यादा जायकेदार होते हैं। आप इसे ट्राई करके देखिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। Thanks for watching. Bye-bye.